बड़ी खबर रांची से है। डोरंडा कॉलेज में असामाजिक तत्वों का उत्पात देखने को मिला है। जुलौजी के एचओडी मोहम्मद रहमान की पिटाई कर दी गई है। कॉलेज परिसर में घुसाए बाहरी लड़कों ने पीटा, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे बाहरी लड़के, प्रोफेसर के मना करने पर धुनाई कर दी। कॉलेज के नाराज शिक्षकों ने डोरंडा थाने का घेराव किया है। प्रोफेसर ने जब विरोध किया लड़कियों से बदसलूकी का, तो उसकी पिटाई कर दी गई। अब कॉलेज के नाराज शिक्षकों ने डोरंडा थाने का घेराव किया है। डोरंडा कॉलेज में असामाजिक तत्वों का उत्पात देखने को मिला है। बाहरी लड़के घुस आए कॉलेज में और जुलॉजी के एचओडी मोहम्मद रहमान की पिटाई कर दी। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अजय, बाहरी लड़के कॉलेज में घुस आए और लड़कियों से बदसलूकी करने लगे, जब एचओडी ने मना किया तो एचओडी की ही पिटाई कर दी गई, कुछ कार्रवाई कर पाई है क्या पुलिस अब तक? देखिए आप, ये डोरंडा कॉलेज का हाल यह है कि लगता है कि कई बार जैसा इसका कोई माई बाप नहीं है। जब कभी भी आप कॉलेज जाएंगे, वहाँ के छात्र छात्राओं से ज्यादा आपको बाहरी लड़के मंडराते नजर आएंगे। आज भी ऐसा ही हुआ। लगभग 9:45 के आसपास लगभग एक दर्जन से ज्यादा बाहरी लड़के डोरंडा कॉलेज में क्लास करने आई छात्राओं को घूर रहे थे। उसी वक्त जुलॉजी के एचओडी हैं मोहम्मद रहमान, उन्होंने जब लड़कों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए, तो लड़कों ने उनके साथ आप शब्दों की भरमार कर दी, माँ बहन की गाली भी दी और कहा कि तुम पहचानते नहीं, हम लोग यही के हैं, आसपास के लोग हैं। और उसके बाद जब प्रोफेसर ने और मना करने की कोशिश की तो उनके साथ ना सिर्फ लप्पर थप्पर किया बल्कि जमकर पिटाई कर दी। जाहिर सी बात है, शिक्षक अभी डोरंडा थाने का घेराव कर रहे हैं और पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा दी जाए यहाँ के छात्रों को, छात्राओं को, कॉलेज के शिक्षकों को और जो यहाँ के जो प्रिंसिपल है मनोज कुमार सिन्हा, उनके बारे में कहा जाता है कि मिट्टी के वो माधव हैं, उन पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या घटनाएं नहीं हो रही हैं, कौन सा क्लास हो रहा है, कौन क्लास नहीं हो रहा है, गेट बंद है, गेट खुला है, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है, पूरी तरह से भगवान मालिक है डोरंडा कॉलेज का। देखना होगा, पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है लेकिन लड़के मारपीट करने के बाद फरार हो गए, कैसे पहचान होगी ये बड़ा सवाल है आरती। चलिए, तो अब देखना होगा कि पुलिस कब तक और क्या कार्रवाई करती है इस मामले में। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।